पाकिस्तान एशिया में आठवां बड़ा कॉटन एक्सपोर्टर है, चौथा लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर और यूज़र है। पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट यार्न प्रोड्यूसर है। पाकिस्तान के 13 लाख किसान कॉटन कार्ट्स करते हैं। 60 लाख एकड़ रकबे के ऊपर कॉटन कार्ट्स की जाती है, जो कि 15% बनता है टोटल कल्टीवेटेड लैंड का। कॉटन का हिस्सा 8.5% है टोटल GDP के अंदर। 51% कॉटन का शेयर है फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर। 1000 जिनिंग फैक्ट्रियाँ हैं, 400 टेक्सटाइल मिल्स हैं, 700 नेटवेयर यूनिट्स हैं, 4000 गारमेंट्स यूनिट हैं, 5000 आयल एक्सपेलर हैं, और पूरे पाकिस्तान में 7 लाख स्टिच मशीनें जो कि इंडस्ट्रीज़ में और घरों में काम कर रही हैं। काटन इंडस्ट्री का हमारी पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट पैदा करने में बहुत बड़ा रोल है। धागे के अलावा काटन का सीड भी बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। काटन के सीड से ऑयल पैदा होता है, जो कि हमारे लोकल एडिबल ऑयल कंजप्शन में 70% हिस्सा रखता है। और काटन के ऑयल के बाद जो खल बचती है एनिमल सीड का फीड का बहुत बड़ा हिस्सा है। काटन ऑयल को हम सोप मेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि काम हो रहा है, मार्जरीन में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक में, इमल्सिफिकेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। यही काटन ऑयल रबर में, प्लास्टिक में, फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में काटन की पैदावार 1 एकड़ में 40 मन है, और इस सीज़न में 1 मन 12,000 रुपये का मैक्सिमम और 8,000 का कम से कम बिका है, और एवरेज अगर निकालें तो 10,000 मन। इसका मतलब है अगर किसी के पास 1 एकड़ है तो उसने 4 लाख रुपया अर्न किया है, और अगर किसी के पास 1 मुरब्बा है जो कि 25 एकड़ बनते हैं तो टोटल 1 करोड़ रुपए की उसकी इस साल की यील्ड हुई है। बम्पर क्रॉप, बम्पर प्राइसेस और बम्पर एम्प्लॉयमेंट। हमारे हुक्मरानों ने जुल्म किया है कि हमारे कॉटन बेल्ट के अंदर शुगर मिलें लगा के कॉटन की नकदावर फसल को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अगर पाकिस्तान ने रैपिड तरक्की करनी है तो उसको फौरी तौर पर अपनी कॉटन पॉलिसी को नए सिरे से डिज़ाइन करना होगा, तो फिर कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू।